संसद भवन में घुसपैठ करने वाले रिमांड पर हैं, लेकिन हर घंटे चौंकाने वाले राज बाहर आ रहे हैं। ये सिर्फ बेरोजगार युवकों का प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक सोची समझी बड़ी साजिश थी, जिसके हर स्टेज की प्लानिंग की गई थी। आरोपियों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि वो स्मोक कैनिस्टर को अंदर कैसे ले जाएंगे। इसके लिए सागर ने लखनऊ में खरीदे जूते को एक मोची से कस्टमाइज कराया, इनकी हील ऊंची करवा ली और उसमें 2.5 इंच की जगह बनवा ली, जिसमें स्मोक कैनिस्टर आसानी से फिट हो सकते थे और ये डिटेक्ट भी नहीं होते। स्मोक कैनिस्टर भी कार्डबोर्ड के बने थे और उसमें प्लास्टिक के बटन थे, जिसकी वजह से मेटल डिटेक्टर की जांच में ये पकड़ में नहीं आए। आरोपियों ने मिलकर इस साजिश को खतरनाक तरीके से अंजाम तक पहुंचाने की योजना बनाई थी। उन्होंने ये भी सोचा था कि मीडिया के सामने वो आत्मदाह को स्टेज करेंगे, लेकिन किसी वजह से आत्मदाह करने वाले प्लान को एन वक्त पर टाल दिया गया और ये तय किया गया कि हर हाल में प्लान ए को ही पूरा किया जाएगा। प्लान ए के फेल होने पर प्लान बी बनाया गया था, जिसके तहत महेश और कैलाश संसद के बाहर मीडिया कैमरे के सामने प्रदर्शन करेंगे और वहां स्मोक कैन का इस्तेमाल कर सनसनी फैलाने वाले थे। सूत्रों के मुताबिक संसद में हंगामा करने के लिए आरोपियों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, जिसमें सिर्फ 7 से 8 लोग ही जुड़े थे। इसी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आरोपियों ने संसद में घुसने की पूरी साजिश को भी रचा। इसके बाद सभी आरोपी सिग्नल ऐप से जुड़े। इसके बाद सिग्नल ऐप पर जानकारी शेयर की जाने लगी। स्पेशल सेल की टीमें इस सोशल मीडिया ग्रुप के सभी नंबरों के संपर्क में है। स्पेशल सेल ये पता लगाने में जुटी है कि इस सोशल मीडिया ग्रुप में कुछ बाहरी तत्व भी शामिल थे या नहीं। तो তারপরে যখন এই সব ঘটনা জানতে পারি আমি উক্তকে ওই WhatsApp গ্রুপ থেকে নামও চেঞ্জ করে দেই এবং ওইখান থেকে আমি নিজেও লেট হয়ে যাই এবং আমার সাথে যারা যুক্ত ছিল আমি তাদেরকেও লেট হয়ে যাই। संसद में घुसपैठ मामले में पूछताछ में आरोपी मनोरंजन डी ने एक बड़ा खुलासा किया है। मनोरंजन ने बताया है कि मैसूर में सभी आरोपी आपस में मिले थे। 6 महीने पहले मैसूर में जो मुलाकात हुई, वहीं पार्लियामेंट में घुसपैठ का प्लान बनाया गया। पता चला है कि सभी आरोपियों को मैसूर बुलाने के लिए रेल टिकट का पैसा भी मनोरंजन डी ने ही दिया। Pre-planned incident, and what was the? It is totally failure of the IB also. It is totally failure from the vigilance also. And this is a new parliament. The security lapses. It's a big security lapses. इस मामले की जांच कर रही ही कमेटी ने 3 अलग मौकों पर क्राइम सीन को भी रिक्रिएट किया है। इस दौरान संसद की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों के भी बयान दर्ज किए गए। अब देखिए, संसद में स्मोक अटैक के चेहरे तो मिल गए हैं, लेकिन इंडी गठबंधन को अपने गठबंधन का चेहरा ही नहीं मिल रहा है।